आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 17 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का आगे का जो भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ये जो एक्सरसाइज है ये क्लास 8 का है, बुक का नाम है मैथ्स एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑटोमेटिक मशीन इन ए फैक्ट्री फिल्स 1000 मिल्क बॉटल्स इन 3 आवर्स। हाउ मेनी सच बॉटल्स कैन बी फिल्ड इन 19 आवर्स 30 मिनट्स बाय द मशीन। 1000 बॉटल को फिल करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 3 आवर्स चाहिए। तो 19 आवर्स 30 मिनट्स में कितना बॉटल फिल होगा वो हमें फाइंड करने के लिए दिया है। बहुत ही इजी है। पहले हमें लिखना है मिल्क बॉटल, नेक्स्ट हम लिखेंगे टाइम। मिल्क बोतल को हम x कंसीडर करेंगे, टाइम को हम y कंसीडर करेंगे। अभी हमें एक टेबल ड्रॉ करना है। 1000 बोतल को फिल करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 3 आवर्स चाहिए। नेक्स्ट दिया है 19 आवर्स 30 मिनट, तो इसमें कितना बोतल फिल होगा ये हमें फाइंड करने के लिए दिया है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। ये जो 19 आवर्स 30 मिनट है, 19 आवर्स 30 मिनट, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 19 इंटू ये जो 30 है, 30 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तब ये जो वैल्यू है ये आवर्स में चला जाएगा। क्योंकि ये वैल्यू आवर्स में है इसलिए हमें इसको भी आवर्स में लिखना पड़ेगा। तो इस जीरो के साथ हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 19 = 38। 38 + 1 करेंगे तो 39/2 होगा। मतलब इसकी इक्वल हम लिख सकते हैं 39/2, ऐसे लिख सकते हैं। ये आवर्स में हो गया है अभी, तो ऐसे हमें कर लेना है। इधर हमने देखा ये जो x एंड y है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख सकते हैं हैंस x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एक्स बाय वाई इज ए कॉन्स्टेंट, ऐसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है? सो 1000/3 = हम लिख सकते हैं ए बाय, इस वैल्यू को हमें इधर लिख देना है, तो 39/2 ऐसे लिख देना है। 1000/3 = ये जो 2 है, 2 a के साथ मल्टीप्लाई होके 2a नीचे होगा 39। 3 एंड 39 इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 3 3 × 13 करेंगे तो 39 हो जाएगा। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 2a × 1 = क्या होगा? 2a होगा = 13 × 1000 करेंगे तो 13000 हो जाएगा। अभी हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा, 13000/2 कर देना है। 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा? 6500। ए इक्वल टू वैल्यू मिलेगा 6500। ए क्या है? ए है मिल्क बॉटल, मतलब 19 आवर्स 30 मिनट में टोटल 6500 बॉटल फिल्ड होगा। तो आंसर निकल के आ गया है 6500। हम लिख सकते हैं आंसर, टोटल बॉटल विल बी, टोटल बॉटल विल बी इक्वल टू 6500। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इन ए मैप ड्रॉन टू स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर, इफ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इज 625 किलोमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स इन द मैप। बहुत ही ईजी है। पहले हमें लिखना है स्केल, इसको हम एक्स लिखेंगे, एक्स सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस इसको हम y कंसिडर करेंगे। डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो किलोमीटर है, तो हम ऐसे किलोमीटर लिख देंगे। अभी हमें एक टेबल ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में ये कहा गया है 1 cm = 100 किलोमीटर, तो ये जो सेंटीमीटर है ये स्केल की जगह पर हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर।
डिस्टेंस की जगह पर हम लिख देंगे 100 किलोमीटर, तो 100 को इधर लिखना है हमें। क्वेश्चन में टाउन ए एंड बी का जो बीच का डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 625 किलोमीटर, हमें स्केल में कितना होगा वो डिस्टेंस ये फाइंड करने के लिए कहा गया है। इधर हम ए कंसिडर करेंगे स्केल डिस्टेंस को। नेक्स्ट हम लिखेंगे हैंस एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एक्स बाय वाई इज ए कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं सो 1/100 लिखेंगे, 1/100 इक्वल टू ए बाय 625 लिख देंगे। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ए इंटू 100 करेंगे तो 100 ए हो जाएगा, इक्वल टू 1 × 625 करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू इधर हमें मिल जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 100, ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6.25, क्योंकि 100 से जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो दो डिजिट के आगे ऐसे डेसिमल पॉइंट होगा। तो ये ए क्या है, ए है स्केल, स्केल किस में है, सेंटीमीटर में है, तो हम आंसर लिख सकते हैं 6.25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवेन एस 1:25 लाख। If the distance between two towns in the map is 5 cm, what is the actual distance in kilometer between the two towns? बहुत ही ईजी है, पहले हम लिखेंगे स्केल, ये 16 का सोल्यूशन होगा, स्केल लिखना है हमें, इसको हम x सेंटीमीटर लिखेंगे। नेक्स्ट हमें लिखना है डिस्टेंस, इसको हमें y किलोमीटर लिखना है। अभी हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में ये दिया है द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवेन 1:25 लाख, मतलब ऐसे दिया है 1:25 लाख, ये दिया हुआ है। ये जो 1 है ये क्या है, ये स्केल है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये डिस्टेंस है। तो स्केल को हमने x कंसिडर किया है और डिस्टेंस को हमने y कंसिडर किया है, तो x की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे एंड ये जो 25 लाख है इसको हम y की जगह पर पुट कर देंगे 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है दोनों टाउन के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्केल में अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो डिस्टेंस में कितना होगा, ये हमें फाइंड करने के लिए दिया है। तो स्केल में 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको हमें इधर लिखना है, एंड ये जो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर के अगेंस्ट कितना डिस्टेंस होगा वो फाइंड करने के लिए दिया है, तो इधर हम लिख देंगे ए। तो ए को हमने एक वेरिएबल कंसिडर कर लिया है, ए का वैल्यू जब हम निकालेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा अगेंस्ट 5 सेंटीमीटर स्केल। तो 5 सेंटीमीटर स्केल के अगेंस्ट कितना डिस्टेंस होगा वो हमें मिल जाएगा, तो इधर हमें लिखना है हैंस एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एक्स बाय वाई इज ए कांस्टेंट। ये जो मैंने लिखा है एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमने क्यों लिखा है, इसका लिखने का मतलब ये है जब हम एक्स को इंक्रीज करेंगे, मतलब इस वैल्यू को जब हम इंक्रीज कर देंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, जब हम इस वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे मतलब कम कर देंगे तो ये वैल्यू भी कम हो जाएगा, देयरफॉर एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो हम लिख सकते हैं 1/25 लाख इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5/a। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ए इंटू 1 करेंगे तो होगा ए इक्वल टू 5 × 25 कर देना है 125, इसमें टोटल 50 है, 50 को हमें ऐसे लिख देना है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब टोटल डिस्टेंस ये होगा 5 सेंटीमीटर स्केल के अगेंस्ट हमें इतना डिस्टेंस देखने को मिलेगा दोनों टाउन के बीच में। क्वेश्चन 17 में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन ए का सोल्यूशन करेंगे उसके बाद हम बी का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन ए में ये दिया है ए बॉय वॉक्स एट ए स्टेडी स्पीड ऑफ 5 km/h, फाइंड, क्वेश्चन ए में दिया है हाउ मच डिस्टेंस विल ही वॉक इन 1 hour 45 minutes एट दिस रेट। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि स्पीड कैसा है 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है,
मतलब 1 आवर इक्वल टू 5 किलोमीटर, 1 आवर में 5 किलोमीटर जाएगा। तो उसका पहले हमें टेबल को ड्रॉ करना है, तो हम लिखेंगे ये क्या है, ये है टाइम, ये है डिस्टेंस। तो पहले हम लिख देंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस, नेक्स्ट हम लिख देंगे टाइम। डिस्टेंस को अगर हम x कंसिडर करेंगे, टाइम को y कंसिडर करेंगे, तो डिस्टेंस x किलोमीटर लिखना है हमें, टाइम y आवर्स लिखना है हमें। अभी हमें एक ट्रेबल ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर, 1 आवर में कितना किलोमीटर जाएगा, 5 किलोमीटर जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 1 आवर 45 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो हमें फाइंड करना है। तो 1 आवर एंड 45 मिनट, इसके अगेंस्ट हम ऐसे लिखेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे 45, नीचे लिखेंगे 60 से जब हम 45 को डिवाइड कर देंगे, तब ये जो 45 मिनट्स है ये आवर्स में चला जाएगा। तो इधर हम लिख देंगे आवर्स। तो इतनी आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वही हमें फाइंड करना है। इधर हम लिख देंगे ए डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस ज़्यादा कवर करने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम ज़्यादा चाहिए। अगर टाइम कम होगा तो डिस्टेंस कम कवर होगा। देयरफॉर एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हेंस एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एक्स बाय वाई इज ए कॉन्स्टेंट। ये दोनों कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा, मतलब इसका रेशियो एंड इसका रेशियो दोनों सेम होगा, इसीलिए एक्स बाय वाई इज ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं, इसको हमें लिखना है 5/1 इक्वल टू, नेक्स्ट लिखना है ए बाय, ऊपर ए होगा नीचे होगा ये, 1 होल 45 बाय 60। तो ये जो वैल्यू है इसको हम सिंपलीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 × 15 करेंगे तो 45 हो जाएगा, 15 × 4 करेंगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है 5/1 इक्वल टू, ऊपर होगा ए, 4 × 1 करेंगे तो 4 प्लस 3 करेंगे तो 7/4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 5/1 इक्वल टू, ये जो 4 है 4 ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4a नीचे रहेगा 7। तो नेक्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4a इक्वल टू 35 एंड a इक्वल टू 35/4। तो 35 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 × 8 इक्वल टू कितना होगा, 32 हो जाएगा। तो क्या रहेगा, 3 रहेगा। a की इक्वल हम लिख सकते हैं 8 होल 3/4। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो a है, a क्या था, a था टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस इतना किलोमीटर होगा। तो आंसर में हम ऐसे लिखेंगे 8 होल 3/4 किलोमीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बी का सॉल्यूशन हम इसमें ही कर देंगे। क्वेश्चन बी में क्या दिया है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। अगर 8 किलोमीटर वॉक करेगा तो कितना टाइम लगेगा, वो हमें फाइंड करने के लिए दिया है। ये वैल्यू नहीं है तो उसकी जगह पर हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। मान लो इधर हमने लिख दिया ए, 17 बी का सॉल्यूशन होगा। तो हैंस एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको तो हमें लिखना है। देयरफॉर एक्स बाय वाई इज ए कॉन्स्टेंट, इसको भी हमें लिखना पड़ेगा। सो 5/1 इक्वल टू 8/a, ऐसे लिखना है 8/a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, 5a इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो a इक्वल टू हमें मिलेगा 8/5 मिलेगा। a इक्वल टू जो वैल्यू मिला है ये टाइम है, तो टाइम को हम ऐसे निकालेंगे, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। देयरफॉर 8/5 आवर इक्वल टू 60 × 8/5 कर देना है मिनट। तो 5 से इसको कटेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 × 8 करेंगे तो 96 मिनट होगा। तो 96 मिनट को हम अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 60 मिनट एंड 36 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं।
ये जो 60 मिनट है इसके अगेंस्ट हम लिख देंगे 1 आवर एंड 36 मिनट, ऐसे लिख देंगे। ए की अगेंस्ट जो वैल्यू मिला है ये टाइम है। टाइम को हम ऐसे फ्रैक्शन में इसीलिए नहीं रखेंगे क्योंकि जब हम ऐसे रखेंगे तो उसको समझ में हमें नहीं आएगा ये कितना टाइम हुआ है, तो इसलिए हमें ऐसे उसको आवर्स में और मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हमें ऐसे करना पड़ेगा।